बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज हम बहुत ही यमी और बहुत टेस्टी सा सूजी और अंडे का हलवा बनाएंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, आसानी से बन जाता है, तो इसे आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, खुद भी खाइएगा और घर वालों को भी बना के खिलाइएगा, मेहमानों के लिए बनाइएगा। बहुत ही हेल्पफुल हलवा होता है ये, और बहुत आसानी से बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ये बन के तैयार हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। जो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियोस आपको सबसे पहले देखने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज हम बहुत ही यमी बहुत ही टेस्टी सा सूजी और अंडे का हलवा बना रहे हैं, जो कि बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत हेल्पफुल रेसिपी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेते हैं और अंडों को तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 अदद अंडे ले लिए हैं। अब हम 1 कप जितनी सूजी ली है उसी हिसाब से हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, और यहाँ पर हमने 1/2 कप बॉयल्ड दूध लिया है। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने 1 कप सूजी ली है और यहाँ पर हमने 1 कप घी ले लिया है, जितनी सूजी उतना घी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें हम घी ऐड करेंगे, घी को गरम कर लेंगे। तो घी हमारा गरम हो गया है तो अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे और सूजी को बिल्कुल स्लो आंच पर भूनेंगे ताकि इसका कलर जो है वो गोल्डन हो जाए। तेज आंच पे नहीं भूनना है, आपकी जो सूजी होगी वो जल जाएगी। तो बस स्लो आंच पर ही इसे 10 मिनट लगेंगे गोल्डन होने में, क्योंकि फिर जब इसे हम गोल्डन करते हैं तो हलवे का जो कलर होता है ना वो भी बहुत ही प्यारा सा आता है। तो यहाँ पर देखें खुशबू भी आने लग गई है सूजी के भुनने की, और कलर भी इसका आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जा रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर और इसका डार्क करूँगी ताकि ये देखने में बिल्कुल गोल्डन नजर आए। बस ध्यान ये रखना है कि सूजी जल के काली ना हो, यानी सूजी का जो दाना होता है उस पर ब्लैक रंग ना आए बल्कि वो गोल्डन ही रहे। तो देखें यहाँ पे माशाल्लाह से ये बिल्कुल गोल्डन कलर इसका आ चुका है सूजी का हमारा, और ये मैं करीब से दिखाऊं तो आप देखें बिल्कुल भी जली नहीं है। तो अब जो हमने अंडे दूध और चीनी का मिक्सचर बनाया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसमें आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाएंगे, तेज तेज चम्मच नहीं चलाना है बिल्कुल भी, वरना दाना नहीं बनेगा अंडे का। और इसमें किसी भी किस्म का हम पानी ऐड नहीं करेंगे, ये इसी मिक्सचर में जो है हमने भूनना है इसे। ये मिक्सचर काफी होता है, 1/2 कप दूध और 4 अंडों का मिक्सचर, बहुत ही लजीज और मजेदार हलवा बनता है ये। इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा, और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, वाकई ये बहुत ही लजीज और मजेदार होता है। तो आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा, जरूर बनाइएगा। सर्दियां आने वाली हैं उसमें जरूर बनाइएगा, अपने घर वालों को खिलाइएगा, खुद भी खाइएगा, मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, शाम की चाय के लिए भी बना सकते हैं। बहुत लजीज और बहुत ही हेल्पफुल होता है ये, ताकतवर हलवा होता है ये। और जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। तो इसको हम इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता भूनते रहेंगे। चूल्हे की आंच हमने थोड़ी सी तेज की है, फुल नहीं है। भूनने के बाद ये कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी हम इसे मजीद भूनेंगे और इसके अंदर हम कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने नारियल, बादाम और किशमिश ले ली है, तो ये मैं ऐड कर देती हूँ इसके अंदर, और इसके साथ ही हम इसे भूनेंगे।
जो आपके पास अवेलेबल हो ड्राई फ्रूट आप वो ऐड कर दीजिएगा। और आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो ये होती है इसके अंदर मॉइस्चराइजर की वजह से, यानी पानी की वजह से। तो जैसे ही ये पानी इसका खुश्क होगा, यानी मिक्सचर जो था वो खुश्क होगा, तो ये समझेंगे कि भुन गया है बिल्कुल। तो ये देखें यहाँ पर माशाल्लाह से हलवा हमारा भुन चुका है, बिल्कुल रेडी है। बस इसे हम थोड़े से बादाम वगैरह से गार्निश कर देंगे। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी सूजी और अंडे का हलवा हमारा बनके रेडी है। और यहाँ पर हम मज़ीद थोड़े से बादाम पिस्तों से इसे गार्निश कर देंगे। तो ये देखें मैंने इस पे चांदी के वर्क भी ऐड कर दिए हैं, माशाल्लाह से बहुत ही गुड लुकिंग लग रहा है। हमारा सूजी और अंडे का हलवा बनके तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।